ग्राउंड टू ऑल ऑफ यू अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय चैनल लसित गवर्नमेंट टूल गुरु लेट्स कम्पीट टुडे आई विल डिस्कस फैंटाबुलस एमसीक्यू 2 सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 रिलेटेड टू द सस्पेंशन इट द सेकेंड पार्ट इन दिस पार्ट यू विल गेट 26 वेरी नाइस एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न एमसीक्यूज And also, specially in this part, I will discuss who are the members of the review committee to extend the suspension or revoke the suspension. And another one also, I will discuss about the revoking of suspension. Like disciplinary proceeding or criminal proceeding. So this session definitely would be interesting one. So with patience, you must listen everything and definitely it would be useful for you. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start Fantabulous MCQ 2. CCS classification control appeal rules 1965 related to the suspension. You see the question number 1. Does rule of CCS, CCA rules 1965 provides for a government servant preferring an appeal against an order of suspension made or deemed to have been made under rule 10. जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के अगेंस्ट में सपोज अपील किया जाएगा ये कौन सा रूल में है आप देख लीजिए अपील के ऊपर आप देख लीजिए रूल 23 ओके ये अपील के ऊपर है आप देख लीजिए फर्स्ट वन रूल 23 सबसेक्शन आई देख लीजिए यहां पर क्लियरली मेंशन है कि जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है उसका अगेंस्ट में the concern charged officer वो अपील कर सकता है यहां पर और एक सवाल आता है तो यहां पर तो आंसर मिल गया यहां पर एक सवाल आएगा कि कितने दिन के अंदर अपील होगा विद इन हाउ मेनी डेज द चार्ज ऑफिसर कैन अपील आपको याद रखना है कि 3 months के अंदर चार्जशीट इश्यू किया जाएगा और चार्जशीट में रीजन भी मेंशन होगा ओके चार्ज ऑफिसर को जब सस्पेंड किया जाएगा जिस डेट से सस्पेंड किया जाएगा उसका 3 months के अंदर उसको चार्जशीट दिया जाएगा चार्जशीट में क्लियरली मेंशन होगा आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस इट मींस रीजन है किस कारण के वजह से उसको सस्पेंड किया गया तो 3 months के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा ठीक है रीजन भी पता चल जाएगा और जिस डेट में कंसर्न चार्ज ऑफिसर को रीजन पता चल जाएगा कि जिस डेट में उसको चार्जशीट मिलेगा उसी डेट से 45 डेज के अंदर वो अपील करेगा अपीलेट अथॉरिटी को राइट तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है जो रूल 23 है अपील के ऊपर है उसका सबसेक्शन जो आई है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अगेंस्ट में अपील किया जाएगा और जो अपील होगा उसका कितने दिन के अंदर चार्ज ऑफिसर अपील करेगा यह भी एक क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है जिस डेट से सस्पेंशन इफेक्ट होगा जिस डेट से सस्पेंशन इफेक्ट होगा उसी डेट से 3 months के अंदर चार्जशीट इशू किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट में रीजन मेंशन होगा आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस क्या क्या चार्ज लगा है रीजन पता चल जाएगा सो आपको याद रखना है कि जिस डेट में कंसर्न चार्ज ऑफिसर वो चार्जशीट रिसीव करेगा कि उसको पता चलेगा कि कौन सा वजह से उसको सस्पेंड किया गया उसी से 45 डेज के अंदर वो अपील करेगा और आप देख लीजिए रूल 27 सबसेक्शन 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अपेलेट अथॉरिटी ये रिलेटेड टू द जो अपील किया जाएगा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अगेंस्ट में रूल 27
सबसेक्शन वन देख लीजिए, अपेलेट अथॉरिटी वो फैक्ट और सर्कमस्टांस को रीड करेगा, एग्जामाइन करेगा, और जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है वो जस्टिफाई है कि नहीं, वेदर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज जस्टिफाई और नॉट, उसको एग्जामाइन करने के बाद कंफर्म करेगा और वो रिवोक के लिए ऑर्डर देगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा आपको बहुत कुछ चीज अब मैं बता दिया इस एक क्वेश्चन में। तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर टू, द रीजन्स फॉर सस्पेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन। मैं बताया था कि जिस डेट से सस्पेंशन इफेक्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन विद इन थ्री मंथ्स, थ्री मंथ्स के अंदर उसको चार्जशीट इशू किया जाएगा, चार्जशीट में क्लियरली मेंशन होगा आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस। तो यही रीजन पता चल जाएगा कि फॉर व्हाट रीजन द चार्ज ऑफिसर इज सस्पेंडेड। द चार्ज ऑफिसर कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इट मीन्स द रीजन्स फॉर सर्टन रीजन्स दैट ही इज सस्पेंडेड। समझ में आ गया? तो विद इन थ्री मंथ्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो थ्री मंथ्स काउंट होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्ट होगा, ओके, उसका थ्री मंथ्स के अंदर उसको चार्जशीट इश्यू किया जाएगा, 90 डेज के अंदर उसको चार्जशीट इश्यू किया जाएगा और चार्जशीट में क्लियरली मेंशन होगा आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, द टाइम लिमिट ऑफ डैश फॉर सबमिशन ऑफ अपील विल काउंट फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द रीजन्स फॉर सस्पेंशन आर कम्युनिकेटेड। जिस डेट में चार्ज ऑफिसर चार्जशीट रिसीव करेगा, तो चार्जशीट रिसीव करेगा मीन्स उसको रीजन्स फॉर सस्पेंशन पता होगा। ओके, व्हेन द चार्ज ऑफिसर रिसीव द चार्जशीट देन ही मस्ट नो द रीजन्स फॉर सस्पेंशन। तो जिस डेट में उसको चार्जशीट रिसीव होगा उसी से 45 डेज के अंदर वो अपील करेगा। ओके, 45 डेज के अंदर वो अपील करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर, अंडर डास रूल ऑफ सीसीएस, सीसीए रूल्स 1965, द अपेलेट अथॉरिटी शुड कंसिडर whether in the light of the provisions of rule 10 and having regard to the circumstances of the case the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly। isko main discuss kar chuka hu, aap dekh lijiye rule 27 aap dekh lijiye subsection 1, isme clearly mention hai ki अपेलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के अगेंस्ट में अपील हुआ है वो उसको एग्जामाइन करेगा, सर्कमस्टांसेस को एग्जामाइन किया जाएगा, फैक्ट्स को एग्जामाइन किया जाएगा, देन वेदर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज जस्टिफाइड और नॉट उसको चेक करने के बाद उसको कंफर्म और रिवोक द ऑर्डर। ओके, कंफर्म द सस्पेंशन और रिवोक द सस्पेंशन के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। आप रूल देख लीजिए, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 रूल 27 सबसेक्शन 1, इसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के अगेंस्ट में अपील है तो अपेलेट अथॉरिटी उसको एग्जामाइन करेगा सर्कमस्टांस को, फिर वो कंफर्म करेगा कि सस्पेंशन जो है वो जस्टिफाइड है कि सपोज सस्पेंशन जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है वो जस्टिफाइड नहीं है तो उसको ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा। यह डिसीजन अपेलेट अथॉरिटी लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑन व्हिच सर्कमस्टांसेस नॉर्मली द रेजिग्नेशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग सस्पेंशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई सस्पेंडेड है, वो भी रिजाइन देना चाहता है। ठीक है, तो
तो क्या उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा? अभी सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है और वो जॉब से रिजाइन देना चाहता है, क्या उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट होगा? वो वही क्वेश्चन, ऑन व्हिच सर्कमस्टेंसेस नॉर्मली द रेजिग्नेशन कैन बी एक्सेप्टेड, ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेस होगा जिसमें जो चार्ज्ड ऑफिसर वो जो रेजिग्नेशन लेटर दिया है उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, कुछ ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट वन, अनलेस्ड ऑफेंसेस डू नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, ये करेक्ट है। फर्स्ट जो ऑफेंस है, जो आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस इंपोज हुआ है चार्ज्ड ऑफिसर के ऊपर, इसमें क्या है, डू नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, एक सीरियस मैटर है। जो आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस लगा है वो बहुत सीरियस चार्जेस है, जिसमें क्या है कि बेसिकली जो ऑफेंसेस है वो बहुत एक्सासर्बेटेड ऑफेंस है। ओके, आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस जो लगा है वो बहुत एग्रावेटेड ऑफेंस है, तो इस केस में रेजिग्नेशन ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मगर ये जो अनलेस्ड ऑफेंसेस डू नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, इतना सीरियस नहीं है, जो चार्जेस है चार्ज्ड ऑफिसर के ऊपर वो इतना सीरियस नहीं है, इतना एग्रावेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इस केस में रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्वांटम ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफिसर इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, जो एविडेंस है अगेंस्ट में चार्ज ऑफिसर अगेंस्ट में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टू जस्टिफाई द, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगा कि रिमूवल की डिसमिसल की कंपल्सरी टर्मिनेट जैसा पनिशमेंट लगेगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिसके वजह से क्या है उसको जॉब से रिमूव कर दिया जाएगा कि उसको डिसमिस कर दिया जाएगा कि उसको जॉब से कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो इस केस में भी उसका रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया जा सकता है क्योंकि एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके वजह से जो ऐसा कुछ पेनल्टी जैसे उसको जॉब से रिमूव कर दिया जाएगा कि डिसमिस कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसका अगेंस्ट में नहीं है। थर्ड वन दिया है, द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर लाइकली टू बी सो प्रोट्रैक्टेड दैट इट वुड बी चीपर टू द पब्लिक एक्सचेकर टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। यहां पर अभी ये एग्जामिन करने के बाद कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बहुत प्रोलॉन्ग होगा, बहुत इट मींस टाइम लेगा, तो इसके वजह से बेसिकली जो गवर्नमेंट को क्या होगा, थोड़ा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसके वजह से ये बेटर है उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाए क्योंकि उसके ऊपर जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रहा है वो बहुत लंबा है और उसके वजह से गवर्नमेंट को कोई मॉनेटरी इट मींस जो मॉनेटरी एक्सपेंस होगा जो गवर्नमेंट वियर कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसके वजह से डिसाइड होगा कि उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाए। तो ये तीनों सर्कमस्टांस करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सर्कमस्टांसेस बहुत करेक्ट है। और पर्टिकुलरली आप ये सेंटेंस को रीड कीजिए, पर्टिकुलरली सेंटेंस को रीड कीजिए, ये तीनों करेक्ट है। तो अभी आप ऑप्शन मिल गया कि ऑन व्हिच सर्कमस्टांसेस नॉर्मली द रेजिग्नेशन कैन बी एक्सेप्टेड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, डस प्रोहिबिट्स द ग्रांट ऑफ लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। आप जानते हो सस्पेंशन पीरियड में चार्ज्ड ऑफिसर को लीव नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 55, ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, फंडामेंटल रूल 55 आप देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय को लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु व्हाइल अंडर सस्पेंशन इज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरअनुएशन बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव मे विथहोल्ड होल और पार्ट ऑफ लीव एनकैशमेंट ऑफ ऑन लीव फॉर व्हाट रीजन इट इज विथहोल्ड। आप जानते हो
जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर है, एज ऑफ सुपरअनुवेशन आ गया, मगर अभी डिसिप्लिनरी और कोर्ट प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हुआ है। डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है, मगर सुपरअनुवेशन आ गया, रिटायरमेंट एज आ गया। तो इस केस में आप जानते हो कि रिटायरमेंट के टाइम में मैक्सिमम 300 ईएल को एनकैश किया जाता है, 300 ईएल को एनकैश किया जाएगा। सुपरअनुवेशन होने से आपका 300 ईएल को एनकैश किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जो ईएल है उसको विथहोल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर है वो रिटायर्ड हो गया, मगर उसके ऊपर जो डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग वो कंक्लूड नहीं हुआ है, वो अभी भी पेंडिंग है। तो ये जो 300 ईएल को एनकैश किया जाता है उसको विथहोल्ड कर दिया जाएगा। क्यों, कारण क्या है, क्यों विथहोल्ड कर दिया जाएगा, आपको एक रीजन बता रहा हूं कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट के वजह से गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ है, गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करने के लिए वो ईएल को क्या करेगा, विथहोल्ड कर देगा। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के बाद जो गवर्नमेंट ड्यूज है उसको एडजस्ट करने के बाद ओके, बाकी जो ये जो ईएल है, अर्न लीव है, उसको इनकैश जो किया जाता है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप आंसर देखिए, ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल कोर्ट प्रोसीडिंग इज नॉट कंक्लूडेड, ये नहीं है। ड्यू टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव, ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये नहीं है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम मनी बिकमिंग रिकवरेबल फ्रॉम हिम ऑन कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यही करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको याद रखना है यदि गवर्नमेंट जो चार्ज ऑफिसर है उसका सुपरअनुवेशन एज आ गया, मगर उसके ऊपर डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो जो 300 ईएल इनकैश होना चाहिए, मैक्सिमम 300 ईएल इनकैश होगा रूल के हिसाब से, वो यहां पर इसको विथहोल्ड कर दिया जाएगा। ओके, रूल है यहां पर विथहोल्ड कर दिया जाएगा, और प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के बाद जो गवर्नमेंट ड्यूज है, गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करने के बाद उसको पेमेंट किया जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट विथहोल्ड कर देता है कि यदि चार्ज ऑफिसर के वजह से गवर्नमेंट को कुछ पेकुनियरी लॉस है, मॉनेटरी लॉस हुआ है, तो वो उसको जो प्रोसीडिंग्स है वो कंक्लूड होने के बाद गवर्नमेंट जो रिकवरी अमाउंट है उसको रिकवर करेगा और उसको पेमेंट करेगा। तो मेन रीजन है ये, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम मनी बिकमिंग रिकवरेबल फ्रॉम हिम ऑन कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, When a government servant dies under suspension, before the conclusion of disciplinary proceedings, the period between the date of suspension and the date of death will be treated as duty for all purposes as provided in. So, आप जानते हो government servant के ऊपर disciplinary proceeding चल रहा है, मगर government servant का death हो गया, जब death हो जाता है तब जो जो पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ सस्पेंशन डेट ऑफ डेथ के बीच में जो पीरियड है उसको ड्यूटी के आकार में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, ड्यूटी के आकार में ट्रीट कर दिया जाएगा नॉर्मल ड्यूटी के हिसाब से। तो ये किस रूल, फंडामेंटल रूल में है, आप देख लीजिए, फंडामेंटल रूल 54 है, फंडामेंटल रूल 54B सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, जो चार्ज ऑफिसर है उसको उसका डेथ हो गया, जो पीरियड होता है बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड डेट ऑफ डेथ उसको ड्यूटी के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल रूल 54B सबसेक्शन 2। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following rule of CCA, rules 1965, defines appointing authority? Appointing authority बहुत easy है, आप देख लीजिए, rule 2A में appointing authority है, और rule
2G जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। रूल 2G में देखिए, सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 2G में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको याद रखना है कि रूल 2 सबसेक्शन ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, और सेम रूल 2 सबसेक्शन जी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। यहां पर डिफाइन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। रूल 10 रिलेटेड टू सस्पेंशन है, ऑफ सीसीए सीसीए रूल्स 1965 डज नॉट कवर, के टी को यहां पर लिख दीजिए, डज नॉट कवर। अच्छा, रूल 10 में क्या कवर नहीं हो रहा है? कमेंसमेंट ऑफ सस्पेंशन, ये तो कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है कि किस डेट से सस्पेंशन इफेक्ट होगा, ये रूल 10 में क्लियरली मेंशन है। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन एंड डीम्ड सस्पेंशन, ये तो देख लीजिए, जो रिव्यू है, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन रूल 10 सबसेक्शन 6 देखिए, और जो डीम्ड सस्पेंशन है वो रूल 10 सबसेक्शन 2 देख लीजिए। मेरा प्रीवियस फंटाबुलस एमसीक्यू 1 देख लीजिए, क्लियरली मेंशन है। तो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन आपका रूल 10 सबसेक्शन 6 में है, डीम्ड सस्पेंशन रूल 10 सबसेक्शन 2 में है। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ये देखिए रूल 10 सबसेक्शन 5 और उसका बीट सी देखिए, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो ऑल ऑफ द अबव आर कवर्ड अंडर द सेड रूल ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स ऑफ 1965, ऑल ऑफ द अबव आर कवर्ड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी करेक्ट है। मैं तो आपको बता दिया, कमेंसमेंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन कब से इफेक्ट होगा, तो वो क्लियरली मेंशन है रूल 10 में, क्योंकि रूल 10 पूरा सस्पेंशन के ऊपर है। मैं बताया रिव्यू ऑफ सस्पेंशन आप रूल 10 सबसेक्शन 6 देखिए, डीम्ड सस्पेंशन रूल 10 सबसेक्शन 2 देखिए, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन आप रूल 10 सबसेक्शन 5 उसका बीट सी देखिए। तो ये पूरा कवर हो रहा है, ये दिया था क्वेश्चन, डज नॉट कवर नहीं, ऑल ऑफ द अबव आर कवर्ड अंडर द सेड रूल ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स ऑफ 1965। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रूल क्वेश्चन नंबर 11, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट ऑन एडहॉक बेसिस अगेंस्ट ए शॉर्ट टर्म वैकेंसी, कैन ही बी अलाउड टू कंटिन्यू इन द कैन ही बी अलाउड टू कंटिन्यू इन द एडहॉक अपॉइंटमेंट when a disciplinary proceeding is initiated against him। आपको याद रखना है, अभी temporary period के लिए, अभी जो charged officer है जिसके ऊपर अभी disciplinary proceeding चल रहा है, तो पहले क्या था, वो higher post में ad hoc basis में अभी काम कर रहा है, ये officiating post में काम कर रहा है, temporary period of time वो अभी higher post में काम कर रहा है, पर सडनली उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, सडनली उसके ऊपर आर्टिकल सब चार्जेस लगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, क्या वो जो टेम्पररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में काम कर रहा है, जो भी वो हायर पोस्ट में ऑफिशिएटिंग कर रहा है, क्या वही पोस्ट में वो रहेगा? वही क्वेश्चन पूछा है, आपको याद रखना है वो एडहॉक बेसिस में अभी वो हायर पोस्ट में काम कर रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए। ठीक है, यदि उसके ऊपर आर्टिकल सब चार्जेस लगता है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है, तो इमीडिएटली उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा उसका ओरिजिनल पोस्ट को, क्योंकि वो एडहॉक पीरियड के लिए अभी हायर पोस्ट में काम कर रहा था। ठीक है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट में था, सडनली उसके ऊपर आर्टिकल सब चार्जेस लगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, तो उसको जब उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तो वो एज यूजुअल वो उसका ओके नॉर्मल पोस्ट को उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो आंसर आपको मिल गया, ही शैल बी रिवर्टेड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो उसका ओरिजिनल पोस्ट था वो उस पोस्ट को आ जाएगा, क्योंकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए एडहॉक बेसिस में वो हायर पोस्ट में काम कर रहा था। ठीक है, राइट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12,
what happens to the disciplinary proceeding started by disciplinary authority A in respect of a government servant when the letter is transferred to the jurisdiction of another disciplinary authority B, even though the said government servant continues to be in the same service. अभी क्या है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था उसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए था, मगर अभी क्या हुआ ना, गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रांसफर कर दिया गया और वो एक अनदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के अंडर में वो अभी काम कर रहा है. ओके, पहले वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए के अंडर में था, अभी उसको ट्रांसफर कर दिया गया, वो अनदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अंडर में है. तो इस केस में क्या, जो सेकेंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो सेम पोस्ट में सेम सर्विस में है, ओनली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हो गया. क्या जो नया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी है क्या वो पहले से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा, क्या ऐसा होता है? तो इस केस में ओनली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हुआ. ओके, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज होने से क्या होगा, जो न्यू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो पहले से वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट नहीं करेगा. तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी टू स्टार्ट डी नोवो प्रोसीडिंग्स. डी नोवो प्रोसीडिंग्स क्या है, पहले से फिर स्टार्ट करना है. जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था अंडर अथॉरिटी ए, ठीक है, तो डी नोवो प्रोसीडिंग में क्या होगा, ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी बोलेगा कि नहीं पूरा इनिशियल से अगेन इट मींस अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, बिगिनिंग से इनिशिएट होगा. तो डी नोवो प्रोसीडिंग्स क्या है, जैसे आप अपील कर दिया, मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डी नोवो प्रोसीडिंग्स, आप अपील किया तो अपीलिटी, जब आप अपील कर दिया तो अपीलेट अथॉरिटी वो उसको एग्जामिन करेगा, सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करेगा, फैक्ट्स को एग्जामिन करेगा. एग्जामिन करने के बाद अपीलेट अथॉरिटी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये जो बेसिकली अपील हुआ है वो सपोज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, वो उसमें कुछ एम्बिग्युइटी आ गया, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाए. तो अल्टीमेटली क्या किए, वो ऑर्डर ऑफ वो इमीडिएटली फिर ऑर्डर दे दिए. ये होता है डीनोवो. और एक बार थोड़ा बता, डीनोवो प्रोसीडिंग्स क्या है, आपके ऊपर पेनल्टी लग गया. ओके, पेनल्टी लगने के बाद चार्ज ऑफिसर अपील किया, अपेलेट अथॉरिटी ने एग्जामिन किया, मगर कुछ ऐसा उनको इतना कंफर्मेशन नहीं मिला कि ये जो बेसिकली पेनल्टी इंपोज हुआ उसके ऊपर उनको थोड़ा कंफ्यूजन लगा, तो वो फिर ऑर्डर दे दिए कि ये जो पेनल्टी लगा है उसको रिवोक कर दिया जाए और पहले से अगेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाए. वही डीनोवो प्रोसीडिंग, जो अपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया कि जो पेनल्टी लगा है उसको रिवोक कर दिया जाए और अगेन उसके ऊपर जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाए, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ अनोमाली अपेलेट अथॉरिटी ने डिटेक्ट किया, तो वो डीनोवो प्रोसीडिंग है. तो इस केस में जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज होगा तो डीनोवो प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ओनली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ट्रांसफर हो गया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हो गया, तो यहां पर फिर से बिगिनिंग से जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है. By framing and delivering fresh articles of charge to the concerned official. So it is not necessary. So यहाँ पर new disciplinary authority B जो है, new disciplinary authority है, वो ये नहीं बोलेंगे कि पहले से फिर disciplinary proceeding initiate होगा. He can carry on. So it means disciplinary authority B, he can carry on with the inquiry proceedings at the point where the transfer of the accused officer was effected. तो आज उधर जहाँ पर it means disciplinary proceeding बंद हो गया, किसके अंडर में, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए के अंडर में बंद हो गया, अभी वो ट्रांसफर हो गया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी को, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी वहां से ही स्टार्ट करेगा जहां से बंद हो गया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए के पास से, नया से शुरू नहीं होगा. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, यहां पर इनकरेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन में आप देख लीजिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप डिटेक्ट करेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज हिमसेल्फ एलिजिबल टू अवेलेबल एलटीसी। आप याद रखिए जो चार्ज ऑफिसर है वो एलटीसी नहीं ले सकता, खुद नहीं ले सकता, उसका फैमिली ले सकता है। द चार्ज ऑफिसर हिमसेल्फ कैनॉट टेक एलटीसी। तो यहां पर दिया गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज हिमसेल्फ एलिजिबल, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चार्ज ऑफिसर एलटीसी नहीं ले सकता और उसका फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं। सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली कैन अवेल ऑफ एलटीसी, ये ठीक है, खुद चार्ज ऑफिसर एलटीसी नहीं ले सकता मगर उसका फैमिली मेंबर एलटीसी ले सकते हैं। एलटीसी एडवांस कैन नॉट बी ग्रांटेड टू द सस्पेंडेड एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन केस ऑफ एलटीसी, ये गलत है क्योंकि किसको एलटीसी मिलेगा, फैमिली मेंबर्स को, तो फैमिली मेंबर्स एडवांस ले सकते हैं। किसको यहां पर एलटीसी मिलेगा, फैमिली मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स के लिए एडवांस मिलेगा। तो यहां पर दे दिया कि एलटीसी एडवांस किसी को नहीं मिलेगा, ना सस्पेंडेड एम्प्लॉय को मिलेगा ना उसका फैमिली मेंबर्स को, गलत हो गया क्योंकि एलटीसी केस में फैमिली मेंबर्स को एलटीसी मिलेगा, सस्पेंडेड एम्प्लॉय को एलटीसी नहीं मिलेगा। तो फैमिली मेंबर को एलटीसी मिलेगा मींस फैमिली मेंबर को एलटीसी एडवांस मिलेगा, एलटीसी एडवांस 90% मिलता है, नहीं कि? तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है 1 और 3 है, आंसर मिल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई भी किया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट वन, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट को। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ चिल्ड्रेंस एजुकेशनल अलाउंस। तो जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है वो एलिजिबल है, जो टू चाइल्ड के लिए सीए मिलता है, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस, सस्पेंडेड एम्प्लॉय को चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस सस्पेंडेड एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है। अन ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन हैज फुल राइट टू फंक्शन एज डिफेंस असिस्टेंट, ये भी करेक्ट है, एक सस्पेंडेड एम्प्लॉय वो डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सस्पेंशन एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा सर्विस को बंद कर दिया गया, ठीक है, सस्पेंशन एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ठीक है, जिसमें अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, उसके उसको उसके ऊपर जो आर्टिकल सब चार्जेस लगा है वो एग्जामाइन किया जा रहा है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया मीन्स उसको रिमूव कर दिया जाएगा कि डिसमिस कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सस्पेंडेड ऑफिशियल वो डिफेंस असिस्टेंट्स के आकर में काम कर सकता है, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ डियरनेस अलाउंस, जो डीए मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, तो फर्स्ट 3 months में उसको कितना मिलेगा, 50% मिलेगा बेसिक का, तो 50% ऑफ बेसिक पे मिलता है, ठीक है, जो फर्स्ट 3 months में, यदि वो एक्सटेंशन होगा देन वो ये बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है और कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ओके, तो बेसिक पे 50% होगा मीन्स उसके ऊपर उसको डीए मिलेगा। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, ओके, जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है वो एलिजिबल है सीईए के लिए, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस के लिए, सस्पेंडेड एम्प्लॉय वो डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है, और जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर उसको डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पर यहां पर क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट, तो यहां पर तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो नॉन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर व्हिच फंडामेंटल रूल द पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस इज सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन फर्निशिंग ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एवरी मंथ टू द इफेक्ट दैट ही वॉज नॉट एंगेज्ड इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन।
इसमें आप जानते हो, आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 53 देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो चार्ज ऑफिसर है, जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, और उसको जब सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा जो सस्पेंशन पीरियड में, उसको एवरी मंथ में एक सर्टिफिकेट देना है, और सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, उसमें वो क्लियरली मेंशन करेगा कि मैं और कोई ऐसा मैं एंगेज एक्चुअली आई डू नॉट एंगेज माई सेल्फ इन एनी अदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन, ऐसे वो डिक्लेयर करेगा कि और मैं कहाँ पर काम नहीं कर रहा हूँ, कोई बिजनेस में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ कि प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ कि कोई मेरा वोकेशन नहीं है, ऐसा एक सर्टिफिकेट एवरी मंथ में उसको देना है। और आप देख लीजिए ये क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल रूल 53 सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय को सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है और उसको एक नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ओके इसको बोलते हैं नॉन एम्प्लॉयमेंट, ओके नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा एवरी मंथ में, उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है, और ये क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल रूल 53(2) में। और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है वो डिक्लेयर करेगा कि मैं और कहां पर काम नहीं कर रहा हूं, और कोई बिजनेस में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, और कोई ट्रेड में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, ठीक है। तो आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को हम देखेंगे, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन, करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। थ्री स्टेटमेंट्स गिवन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जर्नी टू अटेंड द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मे बी अलाउड ट्रैवलिंग अलाउंस, ये करेक्ट है क्योंकि जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है यदि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अटेंड करेगा उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मगर जो टीए मिलेगा किसके हिसाब से मिलेगा कि सस्पेंशन के पहले उसका जो बेसिक पे था, सब्सिस्टेंस अलाउंस के आकार में उसको टीए नहीं मिलेगा, जस्ट बिफोर सस्पेंशन, ओके व्हाट वाज द बेसिक पे उसी के हिसाब से उसको टीए मिलेगा। और ये जो टीए मिलेगा आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, हेडक्वार्टर टू, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं हेडक्वार्टर टू डेस्टिनेशन, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन, डिपार्टमेंटल, ठीक है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन, डी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन तक, और सपोज वो और हेडक्वार्टर में अभी नहीं है, उसको अलाउ किया गया है कि एनी अदर प्लेस में वो रिजाइड कर रहा है, तो एनी अदर प्लेस, ओके एनी अदर प्लेस, ओके टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन, मगर इसमें जो लेस होगा ये दोनों में जो क्या होगा, ये दोनों आप कैलकुलेट कर लीजिए, सपोज बेसिकली वो कैलकुलेट होता है हेडक्वार्टर टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन, और एक है एनी अदर प्लेस टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन, ये दोनों से, ठीक है, जिसमें बेसिकली लेस होगा तो उसी को, उसी के हिसाब से उसको टीए मिलेगा, और जो टीए जो कैलकुलेट होगा उसका बेसिक पे जो होगा वो बिफोर सस्पेंशन उसका जो बेसिक पे था उसी के हिसाब से होगा, ठीक है, मगर कैलकुलेशन ऐसे होगा हेडक्वार्टर टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन, यदि वो उसको अलाउ किया गया है कि एनी अदर प्लेस में वो रह रहा है, और एनी अदर प्लेस टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डेस्टिनेशन, इसमें जो भी लेस होगा उसी के हिसाब से उसको, उसका टीए कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन, हिज ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी रेगुलेटेड विथ रेफरेंस टू द ग्रेड टू विच बिलोंग टू प्रायर टू हिज सस्पेंशन, मैं अभी बताया कि उसका जो जस्ट सस्पेंशन के पहले उसका जो बेसिक पे था उसी के हिसाब से उसका ट्रैवलिंग अलाउंस को रेगुलेट किया जाएगा, ये भी ठीक है। ही मे नॉट बी पेड ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस ऑफ एक्चुअल फेयर एंड डेली अलाउंस, क्योंकि जब हम टूर में जाते हैं तो हमको एक्चुअल फेयर और जो ऑन द वे में, इट मीन्स ऑन द जर्नी टाइम, हमको डेली अलाउंस भी मिलेगा, तो यहां पर दिया है मे नॉट बी पेड ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस, नहीं ये गलत है, उसको ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एंटाइटल है, ठीक है, वो अभी उसका हेडक्वार्टर से जा रहा है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो डेस्टिनेशन है, उसको टीए मिलेगा, और टीए जो कैलकुलेट होगा वो सस्पेंशन के पहले जो बेसिक पे था उसके हिसाब से होगा, और थर्ड वन उसको ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस भी मिलेगा,
ओके एक्चुअल फेयर एंड डीए डेली अलाउंस के हिसाब से उसको एडवांस मिलेगा, मगर थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो यहां पर करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्लियर। वन एंड टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं उसको ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए वो एलिजिबल है, मींस उसको एडवांस मिलेगा एक्चुअल फेयर एंड डीए के हिसाब से, उसको डेली अलाउंस के हिसाब से, डेली अलाउंस के हिसाब से उसको एडवांस मिलेगा, और यहां पर दिया है एडवांस नहीं मिलेगा, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत थे। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में वेरी द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस अमाउंट फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग द फर्स्ट थ्री मंथ्स एज फॉलोज। तो फर्स्ट थ्री मंथ्स जो होता है ना, जो सस्पेंशन का फर्स्ट थ्री मंथ्स होता है, उसमें क्या होगा ना, 50% मिलता है, 50% ऑफ बेसिक पे, इसके ऊपर जो 50% ऑफ बेसिक के उसके ऊपर आप इट मीन्स कैलकुलेट होगा डियरनेस अलाउंस और एचआरए। मगर थ्री मंथ्स के बाद आफ्टर थ्री मंथ्स कैसे कैलकुलेट होगा, यदि जो अभी जो सस्पेंशन को एक्सटेंड किया गया वो चार्ज ऑफिसर के वजह से नहीं किया गया, ओके आफ्टर थ्री मंथ्स वो 75% हो जाएगा, 75% ऑफ बेसिक पे। यदि जो एक्सटेंशन किया गया सस्पेंशन पीरियड को, वो चार्ज ऑफिसर के वजह से नहीं है, और क्या होगा, यदि चार्ज ऑफिसर के वजह से है, चार्ज ऑफिसर के वजह से, चार्ज ऑफिसर क्या है, वो एक्चुअली कोऑपरेट नहीं कर रहा है इंक्वायरी में और उसके वजह से डिले हो रहा है, तो 25% बेसिक पे हो जाएगा आफ्टर थ्री मंथ्स, और अदरवाइज कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वही 50% रहेगा, तो इंक्रीज हो सकता है, जो 50% ऑफ बेसिक पे वो 75% ऑफ बेसिक पे होगा, यदि ये जस्टिफाई किया जाएगा कि जो एक्सटेंशन हुआ है सस्पेंशन पीरियड वो चार्ज ऑफिसर के वजह से नहीं है, तो 75% ऑफ बेसिक पे होगा, और ये कर दिया जाएगा कि वो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग में वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उसके वजह से सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया, उसके वजह से डिक्रीज हो जाएगा, 25% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा, और ये डिसाइड किया जाएगा कि नहीं वो कॉन्स्टेंट रहेगा, सपोज जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा कि वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वही 50% ऑफ बेसिक पे उसको दिया जाएगा, तो ये हो सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज और अलाउड टू रिमेन अनअल्टर्ड, यही आंसर है, ओके बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और वही सेम रहेगा, रह सकता है आफ्टर आप एक्सीडिंग द फर्स्ट थ्री मंथ्स पूछा है, फर्स्ट थ्री मंथ्स में तो 50% ऑफ बेसिक में मिलेगा, तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन ए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेयर ए रेजिग्नेशन हैज बिकम इफेक्टिव द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में परमिट द विथड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन इफ द पीरियड फ्रॉम द डेट द रेजिग्नेशन बिकम इफेक्टिव एंड द डेट ऑफ रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी डज नॉट एक्सीड। आप देखिए, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया, सपोज टेक्निकल रेजिग्नेशन इफेक्ट हो गया, ये टीआर टेक्निकल रेजिग्नेशन इफेक्ट हो गया, और उसका 90 डेज के अंदर, ये जो 90 डेज हम कैलकुलेट करेंगे जिस डेट से आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन इफेक्ट होगा, 90 डेज के अंदर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन को विथड्रॉ कर सकते हो, फिर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को आप आ सकते हो, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, जिस डेट में आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन इफेक्ट होगा उससे 90 डेज के अंदर आप आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन को विथड्रॉ कर सकते हो और फिर अगेन आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द इलेक्शन कमीशन रिकमेंड्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक When the election commission recommends the competent authority to take disciplinary action for insubordination or dereliction of duty by government servant, the competent authority should take action and report to EC within. तो यदि election commission suppose वो competent authority को recommend करेगा कि जो government servant है उसको इलेक्शन ड्यूटी दिया गया था, वो ड्यूटी में खिलाफ किया है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कितने दिन के अंदर रिपोर्ट देगा इलेक्शन कमीशन को, एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे में इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
सो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे मस्ट ड्यूटी इफ दे इन एनी एनी एरिया ओके इफ सपोज देयर वर्क इज इन सबॉर्डिनेट वन और एनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी देन इलेक्शन कमीशन कैन रिकमेंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक एक्शन। मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रिपोर्ट देगा वो इलेक्शन कमीशन को कितना दिन के अंदर देगा, आपको याद रखना है 6 months के अंदर देगा। ओके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड टेक एक्शन एंड रिपोर्ट टू ईसी विद इन 6 months। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर अंडर सस्पेंशन और अगेंस्ट हुम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग शुड बी फॉरवर्डेड। आपको याद रखना है यदि चार्ज ऑफिसर के ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर और वो उसका सस्पेंशन पीरियड में वो है, उसका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। कोई सपोज रिक्रूटमेंट आ गया और उसमें वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा क्योंकि आपको प्रॉपर चैनल से एप्लीकेशन देना पड़ता है, तब आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन आप देकर जा सकते हो कि आपको लीन मिल सकता है। मगर यहाँ पर सस्पेंडेड एम्प्लॉय का एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, मगर यहाँ पर दिया है फॉरवर्ड किया जाएगा, यह स्टेटमेंट गलत है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और एक मजा बात है, मगर आप अप्लाई कर चुके हो, ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, मगर एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा। ओके एग्जामिनेशन सपोज डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, अलाउ किया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं होगा। आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, पूरा प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होने के बाद आपका जो जो रिजल्ट आपका रैंक है उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मगर आपको याद रखना है एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। सपोज न्यू रिक्रूटमेंट के लिए आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चाहते हो क्योंकि प्रॉपर चैनल से इसका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। सस्पेंडेड जीएस शुड नॉट बी सेंट और अलाउड टू गो ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। जो एम्प्लॉई सस्पेंडेड एम्प्लॉई है उसको डेपुटेशन में भेजा नहीं जाएगा, ना वो डेपुटेशन में और कोई डिपार्टमेंट में उसको भेजा जाएगा कि उसको फॉरेन सर्विस में नहीं भेजा जाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके सस्पेंडेड एम्प्लॉई को डेपुटेशन में भेजा नहीं जाएगा कि फॉरेन सर्विस में भेजा नहीं जाएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन व्हाइल ऑफिशिएटिंग इन ए हायर पोस्ट। व्हाइल ऑफिशिएटिंग इन ए हायर पोस्ट, ऑफिशिएटिंग मींस एड हॉक बेसिस में, अभी वो हायर पोस्ट में काम कर रहा है, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। हायर पोस्ट में वो अभी एड हॉक बेसिस में काम कर रहा है और सडनली उसके ऊपर सपोज आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस लगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, तो उसका जो ओरिजिनल पोस्ट था उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। कैनॉट बी रिवर्टेड दिया है, ये नहीं, ये गलत हो गया, कैनॉट बी रिवर्टेड टू द लोअर पोस्ट। उसका जो पेरेंट पोस्ट है उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। यदि एडहॉक बेसिस में वो भी हायर पोस्ट में काम कर रहा है उसको ऑफिशिएटिंग पोस्ट कहा जाता है, और यदि उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तो उसका जो ओरिजिनल पोस्ट है उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। मगर ये जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत है, ठीक है, यहां पर इनकरेक्ट दिया है, ठीक है, तो 1 और 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर भी 4 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट हम देखेंगे। An official may be allowed to take an examination for departmental candidates even though he is under suspension. देखिए, आपका departmental exam आप दे सकते हो, ऐसा कुछ problem नहीं है, allow किया जाएगा, ये correct है। जो suspended employee है वो departmental exam दे सकता है, मगर उसका promotion अभी नहीं होगा, जब disciplinary proceeding conclude होगा, conclude होने के बाद वो completely exonerate है तब उसको promotion किया जाएगा। कि सपोज उसके ऊपर पेनल्टी लगा, पूरा पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद ही उसको प्रमोट किया जाएगा। दो चीज याद रखो, सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गया उसके बाद वो पूरा जो चार्जेस लगा था उसको एग्जोनरेट कर दिया गया तब उसको प्रमोशन मिलेगा। कि उसके ऊपर पेनल्टी लगा, पूरा पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ऑफिशियल कैन बी प्रमोटेड ओनली आफ्टर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर ओवर एंड ही इज कंप्लीटली एग्जोनरेटेड, ये करेक्ट है, ठीक है। तो एग्जाम देगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम देगा,
मगर अभी उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गया और उसको जो चार्जेस लगा था उससे क्या किया गया, एग्जोनरेट कर दिया गया, तब उसका प्रमोशन उसको दिया जाएगा। करेक्ट है। इफ एनी पनिशमेंट इज इम्पोज्ड एंड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस इट इज डिसाइडेड टू प्रमोट हिम, ही शुड बी प्रमोटेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पेनल्टी। आपके ऊपर सपोज पेनल्टी लगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे दिया, पेनल्टी लगा, पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद ही यदि आपका आपको आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अच्छा हुआ और आपका प्रमोशन होगा, ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पेनल्टी। ओके, जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है ओके उसको प्रमोशन दिया जाएगा। सस्पेंडेड ऑफिशियल सीनियरिटी, सीनियरिटी रहेगा। जो एग्जाम में जो रैंक था, रैंक के हिसाब से सीनियरिटी होता है। आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें जो रैंक है ना, रैंक के हिसाब से आपका सीनियरिटी होता है। वो रैंक आपको जो रैंक मिला ऐसा कुछ नहीं, आप डिसिप्लिन प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गया, आपके ऊपर पेनल्टी लगा, पेनल्टी पीरियड एक्सपायरी हो गया, फिर आपको प्रमोशन मिला। मगर आपका जो एग्जामिनेशन में जो रैंक था, रैंक के हिसाब से आपका सीनियरिटी रहेगा। तो सस्पेंडेड ऑफिशियल सीनियरिटी इन द हायर ग्रेड बीइंग रिकर्न्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक ऑब्टेंड इन द एग्जामिनेशन, ये करेक्ट है। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देख लीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के बाद यदि उसके ऊपर जो चार्जेस लगा था उससे वो एग्जोनरेट हो गया, उसको प्रमोशन मिलेगा। यदि थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसके ऊपर पेनल्टी लगा और पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद ही उसको प्रमोशन मिलेगा। और एग्जामिनेशन में फोर्थ स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में उसका जो रैंक रहेगा तो रैंक के हिसाब से उसका सीनियरिटी रहेगा, रैंक के हिसाब से उसका सीनियरिटी रहेगा, सीनियरिटी अफेक्ट नहीं होगा। एग्जामिनेशन में जो रैंक होता है उसके हिसाब से सीनियरिटी मिलता है। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ये तो बहुत इजी है, मैं बताया था। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी है द अथॉरिटी हु इज इन हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये है सेम थिंग। द अथॉरिटी हु इज इन हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इट मीन्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबॉर्डिनेट होता है, तो ये भी ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये सब करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकता है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर में जो रैंक का ऑफिसर है वो भी सस्पेंड कर सकता है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और इसमें मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फंटाबुलस एमसीक्यू 1, और एक है जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक ऑफिसर को इट मीन्स चार्ज देते हैं, वो भी सस्पेंड कर सकता है। तो यहां पर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन अटेंड्स द एज ऑफ सुपरअनुएशन बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स ही विल बी पेड ओनली प्रोविजनल पेंशन, ये करेक्ट है। यदि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और आपका सुपरअनुएशन हो गया, अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हुआ है, आपका सुपरअनुएशन हो गया, उस केस में आपको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। और जो प्रोविजनल पेंशन होगा, जो नॉर्मल पेंशन आपको मिलना चाहिए, प्रोविजनल पेंशन नॉर्मल पेंशन से कभी ज्यादा नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट वही बताया, तो प्रोविजनल पेंशन पेबल विल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पेंशन व्हिच वुड हैव बीन एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिफाइंग सर्विस, तो ये करेक्ट है। जो प्रोविजनल पेंशन फिक्स होगा वो जो क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से जो नॉर्मल पेंशन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होगा। ग्रेचुटी विल बी पेड टू हिम बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड द इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर, ये इनकरेक्ट है। ग्रेचुटी नहीं मिलेगा जब तक आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड ना हो जाए और आपको फाइनल ऑर्डर इश्यू ना हो जाए, तब तक आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगा, आप याद रखना है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, तो यहां पर दिया है ग्रेचुटी मिलेगा, ग्रेचुटी नहीं मिलेगा। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड होगा, फाइनल ऑर्डर इश्यू होगा, तब ग्रेचुटी को रिलीज किया जाएगा। तो यहां पर जो इनकरेक्ट है, ओनली 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन रिगार्डिंग टू द प्रमोशन अंडर सस्पेंशन, प्रमोशन के ऊपर क्वेश्चन है।
द डीपीसी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी विल असेस द सुइटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन अलोंग विथ अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग अगेंस्ट हिम. इनकरेक्ट को देखना है. देखिए जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी है एज यूजुअल वो जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है एज यूजुअल उसको कंसिडर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो ये नहीं देखेगा कि उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है कि कोर्ट प्रोसीडिंग है. एज यूजुअल वो नॉर्मल जैसे जो अदर कैंडिडेट्स है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी एज यूजुअल नॉर्मली सस्पेंडेड एम्प्लॉय को असेस करेगा कि उसका प्रमोशन होगा कि नहीं. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट वही है, करेक्ट है. द असेसमेंट ऑफ डीपीसी इंक्लूडिंग अनफिट फॉर प्रमोशन एंड द ग्रेडिंग अवॉर्डेड बाई इट विल बी केप्ट इन ए सील्ड कवर. जो भी डीपीसी ग्रेड देगा वो सील्ड कवर में रहेगा क्योंकि अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हुआ है, तो वो सील्ड कवर में रहेगा. अजूजल नॉर्मल कैंडिडेट की तरह जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसके उसको डीपीसी असेस करेगा, ग्रेड भी देगा, मगर जो ग्रेड दिया जाएगा उसको सील्ड कवर में रखा जाएगा. यदि पेनल्टी इंपोज होता है, इफ एनी पेनल्टी इज इंपोज ऑन द ऑफिसर एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और इफ ही इज फाउंड गिल्टी इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स द फाइंडिंग्स इन द सील कवर विल नॉट बी एक्टेड अपन. आप याद रखिए यदि उसके ऊपर पेनल्टी लगा चाहे वो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स हो कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो, वो सील्ड कवर ओपन नहीं होगा. ओके, इफ द पेनल्टी इज इंपोज, यदि पेनल्टी उसके ऊपर इंपोज हुआ चाहे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, उसमें वो सील्ड कवर को ओपन नहीं किया जाएगा. तो यहां पर पूछा है इनकरेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी नन आएगा. तो आपको याद रखना है नॉर्मल कैंडिडेट की तरह सस्पेंडेड एम्प्लॉय को भी असेस किया जाएगा, असेस बाय द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, और मार्क भी अवार्ड होगा, मगर जो मार्क अवार्ड होगा ना वो सील्ड कवर में रहेगा. और यदि पेनल्टी इंपोज होगा तब भी सील्ड कवर ओपन नहीं होगा, ये सब खत्म होने के बाद सील कवर ओपन होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वो जब तक उसका पेनल्टी पीरियड एक्सपायरी ना हो जाए, जब तक पेनल्टी पीरियड एक्सपायरी ना हो जाए तब तक वो सील कवर ओपन नहीं होगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था. क्वेश्चन नंबर 25, द ड्रायल ऑफ एचआर हाउस रेंट अलोयंस टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ पे ऑफ व्हिच ही वाज इन रिसीप्ट ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन subject to his furnishing either or both of certificates prescribed for royal of allowances for periods beyond dash from the date of suspension. suspension period mein aapko 50% of basic pay milta hai first 3 months, uske baad ye badh sakta hai, increase ho sakta hai, decrease ho sakta hai, constant ho sakta hai, isko main explain kar chuka hu. usi ke upar usko hra milega, magar aapko yaad rakhna hai ये जो नॉर्मली मिलेगा 120 डेज तक मिलेगा, मगर बियॉन्ड 120 डेज आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. बियॉन्ड 120 डेज आपको जो सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा एचआरए लेने के लिए, सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा फर्निशिंग आइदर और बोथ ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा बियॉन्ड 120 डेज. फर्स्ट 120 डेज एज यूजुअल आपका जो सबसिस्टेंस अलाउंस है उसके ऊपर एचआरए मिलेगा, और बियॉन्ड 120 डेज आपको सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था. क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट को. ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, करेक्ट है. जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसके ऊपर एचआरए मिलेगा. गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन फर्निशिंग ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एवरी मंथ to the effect that he was not engaged in any other employment, business, profession or vocation and the certificate required the counter signature of any authority. तो ये statement क्यों गलत है? आपको non-employment certificate देना पड़ेगा. Subsistence allowance मिल रहा है तो charged officer क्या करेगा? Every month में non-employment certificate देगा कि मैं और कहां पर काम नहीं कर रहा हूं और कोई business में involve नहीं हूं कि कोई trade में involve नहीं हूं. ओके, मगर वो यहां पर दे दिया, वो जो सर्टिफिकेट देगा ना उसको सपोज उसको काउंटर सिग्नेचर करेगा एनी अथॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं है. एंड द सर्टिफिकेट रिक्वायर द काउंटर सिग्नेचर ऑफ एनी अथॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं है. सर्टिफिकेट को कोई अथॉरिटी काउंटर सिग्नेचर नहीं करेगा. सर्टिफिकेट एवरी मंथ में वो देगा नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मगर वो सर्टिफिकेट को कोई एनी अथॉरिटी उसको सर्टिफाई नहीं करेगा, काउंटर सिग्नेचर नहीं करेगा. मगर यहां पर दिया है सर्टिफिकेट रिक्वायर द काउंटर सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर
नहीं चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, और करेक्ट पूछा है तो ओनली ए ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये एमसीक्यू हो गया, बढ़िया एमसीक्यू था, 26 क्वेश्चंस। देखिए आप एग्जाम में सी और सर्ट क्वेश्चन है। अभी कुछ डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ सस्पेंशन के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिव्यू आप रूल 10 देख लीजिए, रिव्यू जो होता है ना, एक रिव्यू अथॉरिटी, रिव्यू अथॉरिटी वही होगा जो सस्पेंडेड, जो अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करता है, वही रिव्यू अथॉरिटी होगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और द अथॉरिटी हु इज इन हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर, सपोज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट एनी ऑफिसर। तो ये जो रिव्यू होगा आपको याद रखना है 90 डेज के अंदर, जिस डेट में आपका सस्पेंशन इफेक्ट हुआ 90 डेज के अंदर उसको रिव्यू किया जाएगा। जो रिव्यू अथॉरिटी है वो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा, और जो रिव्यू कमिटी जो रिकमेंड करेगा उसका रिकमेंडेशन से रिव्यू अथॉरिटी, राइट, वो रिव्यू अथॉरिटी डिसीजन लेगा कि एक्सटेंशन होगा कि सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। तो वही दिया है, ओके। यदि 90 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर 90 डेज अनलेस इट इज एक्सटेंडेड, तो आफ्टर रिव्यू बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, ठीक है। तो इसके लिए रिव्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये जो रिव्यू कमिटी का कौन कौन मेंबर है अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो है, रिव्यू अथॉरिटी है, रिव्यू अथॉरिटी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, पर किसका रिकमेंडेशन से वो सपोज सस्पेंशन को एक्सटेंड करेगा कि रिवोक करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्ट हुआ उसका 90 डेज के अंदर रिव्यू किया जाएगा। एक रिव्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा, रिव्यू कमिटी का रिकमेंडेशन से रिव्यू अथॉरिटी वो कंफर्म करेगा कि सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाए कि उसको रिवोक किया जाए। कंपोजिशन देखिए, कंपोजिशन ऑफ रिव्यू कमिटी 3 केसेस है। केस 1 देखिए, वेयर प्रेसिडेंट इज नॉट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और द अपेलेट अथॉरिटी, जहां पर ऑनरेबल, ये देखिए बहुत ही ऑप्शन दिया है, जहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है कि अपेलेट अथॉरिटी नहीं है। इस केस में जो मेंबर रहेंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के मेंबर रहेगा, अपेलेट अथॉरिटी रहेगा, और कोई अनादर ऑफिसर जिसका लेवल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और अपेलेट अथॉरिटी के साथ समान है, ऐसा ऑफिसर को हम सेम डिपार्टमेंट से लेंगे, सेम ऑफिस से लेंगे। सेम ऑफिस में नहीं है तो एनी अदर ऑफिस से हम लेंगे, मगर उसका जो लेवल रहेगा वो डिसिप्लिन अथॉरिटी और अपेलेट अथॉरिटी के साथ समान होगा, ठीक है। तो 3 मेंबर्स होते हैं, और यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है कि अपेलेट अथॉरिटी नहीं है। तो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक मेंबर है, अपेलेट अथॉरिटी के मेंबर है, और एक एनी अदर ऑफिसर फ्रॉम द सेम ऑफिस से लेंगे जिसका लेवल डिसिप्लिन अथॉरिटी और अपेलेट अथॉरिटी के साथ समान है। इस तरीके का ऑफिसर अभी सेम ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से लिया जाएगा, मगर उसका लेवल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और अपेलेट अथॉरिटी के साथ समान होना चाहिए। फर्स्ट केस हो गया, चलो सेकेंड केस को चलेंगे। सेकेंड केस में अपेलेट अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट, अपेलेट अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, तो यहां पर कौन कौन मेंबर रहेंगे बेसिकली जो रिव्यू कमिटी में, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा और 2 ऑफिसर्स हम लेंगे, क्योंकि 3 मेंबर्स होते हैं, 2 ऑफिसर्स, लेवल ऑफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, हु आर इक्विवेलेंट और हायर इन रैंक देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के मेंबर हो गया, और जो 2 ऑफिसर्स हम लेंगे उनका जो लेवल रहेगा सेक्रेटरी रैंक, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक, मगर उनका जो स्टेटस रहेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के साथ इक्विवेलेंट रहेगा और उससे हायर रहेगा। सेम ऑफिस से लेंगे, सेम ऑफिस में सपोज अवेलेबल नहीं है फ्रॉम अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से लेंगे, ठीक है। तो 3 मेंबर्स हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या है, वेयर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट, वी खुद ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिन अथॉरिटी है, तो हम 3 ऑफिसर्स लेंगे, उनका जो लेवल रहेगा सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, हु आर इन हायर रैंक देन द सस्पेंडेड ऑफिसर, सस्पेंडेड ऑफिसियल से उनका जो रैंक रहेगा हायर रैंक रहेगा। सेम डिपार्टमेंट से लेंगे, सेम डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है, एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेंगे।
तो ये थ्री ऑप्शंस को आपको याद रखना है। ओके, फर्स्ट में क्या है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ना डिसिप्लिन अथॉरिटी है ना अपेलेट अथॉरिटी है। सेकेंड में क्या है, ना ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपेलेट अथॉरिटी है। थर्ड वन क्या है, ना डिसिप्लिन अथॉरिटी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा थ्री मेंबर्स को, ये थोड़ा अच्छे से मैं क्लैरिफाई कर दिया, तो आप देख लीजिए। और जो थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिन अथॉरिटी रहेंगे, इसमें जो थ्री मेंबर्स हम लेंगे उनका रैंक सेक्रेटरी रैंक, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक रहेगा, मगर उनका जो लेवल रहेगा इज हायर रैंक देन द सस्पेंडेड ऑफिशियल। उनका जो रैंक रहेगा हायर देन द सस्पेंडेड ऑफिशियल, राइट। सेम ऑफिस में है लेंगे, सेम ऑफिस में नहीं है एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से लेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिटेंशन केस में रिव्यू नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस डिटेंशन केस में रिव्यू नहीं होगा। जो कंटिन्यूस डिटेंशन केस में वो दिया नो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, आप याद रखिए, यदि कस्टडी में है, ओके, कंसर्न एम्प्लॉय कस्टडी में है और अभी वो कंटिन्यू है, उसका जो पीरियड में जैसे बताया जो इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन जो है, जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्ट होगा 90 डेज के अंदर रिव्यू किया जाएगा, और यहां पर नहीं होगा क्योंकि वो अभी डिटेंशन में है, उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा। रिव्यू कब किया जाएगा, यहां पर दे दिया, ये जो 90 डेज जो काउंट होगा कब किया जाएगा, ना जब वो रिलीज फ्रॉम कस्टडी, एक ऑप्शन है रिलीज फ्रॉम कस्टडी, और जिस डेट में वो उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे कस्टडी से रिलीज कर दिया गया, और ये दोनों में जो लेटर होगा, ये लेटर ये जो लेटर होगा व्हिच एवर इज लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो, ये जो 90 डेज रिव्यू पीरियड ना कैसे काउंट होगा, दो ऑप्शन से कि उसको जिस डेट में कंसर्न एम्प्लॉईज, जो कंसर्न एम्प्लॉई है उसको रिलीज कर दिया गया कस्टडी से, और एक ऑप्शन है जिस डेट में वो इन्फॉर्म किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि मुझे कस्टडी से रिलीज कर दिया गया, ये दोनों सेंटेंस में जो लेटर होगा, जो बाद में होगा, उसी से 90 डेज जो रिव्यू पीरियड है वो काउंट होगा। और यहां पर मजा बात है, व्यू देखेंगे, रिव्यू जो कमिटी है वो क्या क्या देखेगा, व्यू ऑफ द रिव्यू कमिटी रिगार्डिंग टू द रिवोकेशन और कंटिन्यूएशन, कि रिव्यू कमिटी क्या देखेगा, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली ऑब्जर्व बाय द रिव्यू कमिटी, कि टू एक्सटेंड द सस्पेंशन और रिवोक द सस्पेंशन, तो वो रिकमेंड करेंगे रिव्यू अथॉरिटी को कि एक्सटेंशन कर दिया जाए कि सपोज रिवोक कर दिया जाए। फर्स्ट वन, वो रिव्यू कमिटी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखेगा, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट अनड्यूली लॉन्ग सस्पेंशन, जो सस्पेंशन पीरियड बहुत लंबा चल रहा है उसको भी देखेगा, पुटिंग द एम्प्लॉई कंसर्न टू अनड्यू हार्डशिप, ऐसे वो रिव्यू कमिटी देखा कि जो एम्प्लॉई है वो बहुत हार्डशिप में है, ओके, बहुत डिफिकल्टी में है, तो उसको देखेगा। और तो ये भी है, रिव्यू कमिटी ये सोचेगा कि उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है मगर वो कोई यूजफुल सर्विस नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ यूजफुल सर्विस नहीं देगा और उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, तो ये चारों चीज वो एग्जामिन करते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, और कोई जो सस्पेंशन पीरियड बहुत लॉन्ग हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है और बहुत हार्डशिप है, जो कंसर्न एम्प्लॉई के लिए सस्पेंशन पीरियड बहुत हार्डशिप है, और एक है कि उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, मगर वो कुछ यूजफुल सर्विस नहीं दे रहा है, तो ये एक्चुअली रिव्यू कमिटी उसी यही पॉइंट को एग्जामिन करके डिसाइड करेगा, रिव्यू अथॉरिटी को रिकमेंड करेगा कि वेदर उसको एक्सटेंड किया जाए सस्पेंशन को और रिवोक किया जाए। मगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें, देखिए, विदाउट प्रेजुडाइज टू द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रेजुडाइज टू द फॉरगोइंग, इफ द ऑफिसर हैज बीन अंडर सस्पेंशन फॉर वन ईयर से कंसर्न ऑफिसर अभी सस्पेंडेड है, विदाउट एनी चार्जेस बीइंग फाइल्ड इन ए कोर्ट, कोई कोर्ट में कोई चार्ज फाइल नहीं हुआ कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोई जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है उसमें कोई भी चार्ज मेमो उसको नहीं दिया गया, तो ऑटोमेटिकली उसको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक साल से वो अभी उसका सस्पेंशन पीरियड वन ईयर से चल रहा है, मगर उसके अगेंस्ट में कोई भी चार्ज कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है, कि जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा था उस केस में कोई चार्ज मेमो उसको इश्यू नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डिनरली रीइंस्टेट हो जाएगा। मगर यहां पर ये क्वेश्चन आता है, इफ द ऑफिसर हैज बीन सस्पेंशन फॉर वन ईयर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑर्डिनरली कोई कोर्ट में कोई ऐसा कुछ चार्ज फाइल नहीं हुआ
कि उसको जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंक्वायरी चल रहा था उसमें कुछ चार्ज मेमो इशू नहीं हुआ, तो ऑर्डिनरली उसको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा आफ्टर वन ईयर। सेकेंड में क्या है, यदि पुलिस इन द केस द ऑफिसर इज इन पुलिस जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में है कि जुडिशियल कस्टडी में है, कि सीरियस क्राइम किया है, कि कोई ऐसा कुछ क्राइम किया है जो थ्रेटनिंग फॉर नेशनल सिक्योरिटी, तो इस केस में रिव्यू कमिटी क्या करेगा, ब्लाइंडली बोल देगा कि उसका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और रिवोकिंग ऑफ सस्पेंशन, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए ये रूल अंडर रूल 10 सबसेक्शन 5 बीट सी में क्लियरली मेंशन है, सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फर्स्ट वन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के ऊपर चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ इट इज डिसाइडेड दैट नो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स नीड टू बी ड्रॉन अप विथ ए व्यू टू इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट और रिडक्शन इन रैंक। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई ऐसा ये डिसाइड हुआ कि और ये प्रोसीडिंग को आगे में इट मीन्स बढ़ाया नहीं जाएगा, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग उसके वजह से क्या है, उसको जॉब से डिसमिस नहीं किया जाएगा, कि रिमूव नहीं किया जाएगा, कि कंपल्सरी रिटायर नहीं किया जाएगा, कि उसका रैंक रिड्यूस नहीं होगा, तो फॉर दैट रीजन एक्चुअली द प्रोसीडिंग शुड नॉट बी एक्सटेंडेड। ये डिसाइड हुआ कि अभी फर्दर प्रोसीडिंग करना जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो एविडेंस मिल रहा है उसके वजह से एक्चुअली उसको डिसमिस रिमूव की कंपल्सरी रिटायरमेंट की उसका रैंक रिड्यूस नहीं होगा, तो इस केस में क्या है, उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ ना, वो फाइनल ऑर्डर में ये नहीं है कि उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, कि रिमूव कर दिया जाएगा, कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। फाइनल ऑर्डर इशू हो गया, फाइनल ऑर्डर इशू हुआ उसमें फाइनल ऑर्डर में ये नहीं है कि उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाएगा, तब उसका सस्पेंशन को रिवोक क्या है, कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, वो अपील और रिवीजन, वो अपील कर दिया कि रिवीजन हुआ और उसका जो ऑर्डर है, जो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा था उसका मॉडिफाई कर दिया गया। ओके, सपोज उसके ऊपर लगा था कि पेनल्टी लगा था कि उसको रिमूव कर दिया जाए, कि डिसमिस कर दिया जाए, कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए, और इस तरीके का अपील से उसको सेट असाइड कर दिया गया एंड और फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगा, तो इस केस में उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। अपील रिवीजन में डिसाइड हुआ कि जो पेनल्टी लगा है, मेजर पेनल्टी लाइक डिसमिसल रिमूवल कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसको सेट असाइड कर दिया जाए, हटा दिया जाए और कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं होगा, इस केस में उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। और ये नॉर्मली द गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्जोनरेट कर दिया गया, जो चार्जेस लगा था उसमें वो उसको क्या है बेसिकली जो भी चार्जेस लगा था वो फॉल्स हो गया, तो इस केस में भी सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। ये सब बेसिकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग केस में। क्रिमिनल ऑफेंस में, सेकंड में, इन अरेस्ट एंड डिटेंशन केसेस इट इज डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड फर्दर अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय फाइलिंग ए चार्जशीट इन द कोर्ट। अरेस्ट और डिटेंशन केस में कि चार्जशीट को फाइल कर दिया गया कोर्ट में और यह डिसाइड किया गया कि फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगा, चार्जशीट फाइल कर दिया गया कोर्ट में और प्रोसीडिंग को और आगे में बढ़ाया नहीं जाएगा, तो इस केस में उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। अपील और रिवीजन अगेंस्ट एक्विटल इन हायर कोर्ट फेल, सपोज उसको एक्विट कर दिया गया मगर कुछ लोग उसके अगेंस्ट में अपील और रिवीजन कर दिए कि उसको जो एक्विट कर दिया गया वो गलत था, तो वो हायर कोर्ट को चले गए, उसके ऊपर जो चार्ज लगा था उससे वो एक्विट हो गया, मगर फिर भी हायर कोर्ट में उसके अगेंस्ट में अगेन अपील रिवीजन हुआ मगर वो फेल हो गया, तो इस केस में उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ एक्विटेड इन ए ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में एक्विट हो गया, और इफ एन अपील और रिवीजन इन हायर कोर्ट, जो वो कन्विक्ट था क्रिमिनल ऑफेंस से उसको कन्विक्ट कर दिया गया मगर अपील रिवीजन से उसको एक्विट कर दिया गया, वो अपील किया, रिवीजन किया और जो उसके ऊपर कन्विक्शन लगा था उससे वो एक्जोनरेट हो गया, तो एंड ही इज अल्टीमेटली एक्विटेड। एंड उसमें क्या है, एंड व्हेन इट इज नॉट प्रपोज टू कंटिन्यू हिम अंडर सस्पेंशन, ये प्रपोज किया गया उसको और सस्पेंशन पीरियड में रखा नहीं जाए, तो इस केस में उसके जो इवन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है मगर ये डिसाइड हुआ अभी उसका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा
उसका सस्पेंशन पीरियड को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा इवन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, इस केस में उसका सस्पेंशन पीरियड को रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, ट्रायल कोर्ट में एक्विट कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया मगर फिर हायर कोर्ट में उसके अगेंस्ट में अपील रिविजन हुआ और वो फेल हो गया, सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाएगा, कि ये प्रपोज हुआ कि और उसका एक्सटेंशन पीरियड को एक्सटेंड ना किया जाए, चाहे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है मगर उसका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड ना किया जाए, ठीक है, इस केस में उसका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और है जो जो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन कब से इफेक्ट होता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन कब से इफेक्ट होगा ना, जिस डेट में ऑर्डर इश्यू होगा, फ्रॉम द, देखिए इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, जिस डेट में जो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के ऊपर जो ऑर्डर इश्यू होगा जिस डेट में, उसी डेट से रिवोकेशन को इफेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। और कभी कभी क्या है कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि अभी इमीडिएट, हाउएवर वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू री इंस्टेट विथ इमीडिएट इफेक्ट, तब वो फ्यूचर डेट में ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन को इफेक्ट किया जाएगा। नहीं तो नॉर्मली जो ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन है जिस डेट में इश्यू होता है उसी डेट से ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन वो इफेक्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या है कि ये मान लेते हैं नहीं नहीं अभी उसको रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा, तो इस केस में फ्यूचर डेट एक फिक्स होता है, उसी डेट से ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन को इफेक्ट किया जाएगा। एन ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन शुड बी मेड इन द, एक फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये इतना था, 26 MCQs था, और जो कैसे रिव्यू कमिटी का कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसका कौन कौन मेंबर्स होते हैं, और किस किस कंडीशन में जो सस्पेंशन है सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा, इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये सब डिस्कस किया, अच्छे से देख लीजिए। प्लीज माई फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू एंड अगेन नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।